नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे लंका प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल T20 मुकाबला, जो खेले जाने वाला है गाले मार्वल वर्सेस जाफना किंग्स के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 21 जुलाई को खेले जाने वाला है। 7:30 पर मैच स्टार्ट होगा प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच की हमारी फैंटेसी टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होना चाहिए, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों हम कैप्टन लगा के चलें, कौन सा खिलाड़ी हमारी टीम में वॉइस कैप्टन देखने को मिलेगा, गाले मार्वल की टीम से दोस्तों कितने ट्रंप प्लेयर आज के मैच में हमें देखने को मिलेंगे, और दोस्तों जाफना किंग्स की तरफ से हमें कितने खिलाड़ी लेके चलने हैं, यूनिक ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन हम किस प्रकार से बना के चलें, यूनिक स्मॉल लीग टीम दोस्तों किस प्रकार से बना के चलनी है, दोनों टीमों से दोस्तों कितने ट्रंप प्लेयर आज के मैच में देखने को मिलेंगे, प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम पे स्पिनर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं या फिर दोस्तों पेसर्स यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट जरूर देख लेना, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। और फ्री टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में कि प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि पिच दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्मॉल लीग की टीम बनाओ या फिर मिनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओ या फिर दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम लगाओ, तीनों फॉर्मेट में दोस्तों पिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है, और पिच के द्वारा ही दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो और ग्रैंड लीग जीत भी सकते हो। तो बात करें पिच के बारे में तो पिच दोस्तों बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 54 T20 मुकाबले खेले गए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 28 मुकाबले विन किए हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 26 मुकाबले विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर लगभग 155 के करीब देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों यहां पर कैंडी फाल्कन की टीम ने बनाया हुआ है 222 रन का, और सबसे कम स्कोर दाबूला सिक्सर का है, ओनली 69 रन पे ऑल आउट है। उसके साथ बॉलिंग की बात करेंगे, लास्ट के जो 5 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेसर्स को 39 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 29 विकेट मिली है, यानी कि पेसर्स इस पिच पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। प्लस में दोस्तों स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स आपके टीम में लगभग ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेंगे। उसके साथ स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 27 बार स्कोर है टोटल 54 T20 मैचों में, 150-170 के बीच में 11 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 11 बार स्कोर है, 190 से ऊपर इस पिच पे दोस्तों अभी तक 5 बार स्कोर देखने को मिला है। पिच की कंडीशन दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इस पिच पे दोस्तों लगभग बॉलिंग सेक्शन काफी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा, क्योंकि रिसेंट में यहां पर जो मुकाबला खेला गया था क्वालिफायर सेकंड वाला, जिसमें जाफना किंग्स वर्सेज कैंडी फाल्कन की टीम देखने को मिली थी, और इस वाले मैच में जाफना किंग्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन का टारगेट रखा था और मैच को विन करके गई थी, जिसमें 12 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 2 विकेट दोस्तों ओनली पेसर्स को मिली थी, यानी कि स्पिनर्स ने इस पिच पे काफी खतरनाक परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस कैंडी फाल्कन, 3 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को, 12 विकेट यहां पर पेसर्स को। उसके बाद जाफना किंग्स वर्सेस गाले मार्वल के बीच में इस पिच में मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें गाले मार्वल की टीम ने मैच को विन किया था, 3 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 7 विकेट पेसर्स को मिली थी। उसके बाद दाबूला सिक्सर वर्सेज कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला खेला गया, इस वाले मैच में 5 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 11 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली थी। रिसेंट के 4 T20 मुकाबले, 4 LPL T20 मुकाबले यहां पर जो खेले गए हैं इसमें दोस्तों पेसर्स ने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, और इसके साथ साथ स्पिनर्स को भी दोस्तों यहां पर विकेटें मिली है, यानी कि स्पिनर्स प्लस पेसर दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ यूनिक ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा। पिछले मैच में दोस्तों स्पिनर्स कैप्टन देखने को मिला था, और लगभग यहां पर अगर 4 मैच हुए हैं तो 4 में से 2 बार दोस्तों यहां पर कैप्टन इस पिच पर स्पिनर्स ही देखने को मिला है। उसके साथ बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के अनुसार कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है। तो हेड टू हेड में दोस्तों दोनों टीमों ने 5-5 मुकाबले विन किए हैं। रिसेंट में भी 5 में से 3 मुकाबले दोस्तों गाले मार्वल की टीम विन करके आ रही है, और 5 में से 3 ही मुकाबले दोस्तों यहां से जाफना किंग्स की टीम ने विन करके रखे हैं, यानी हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोनों टीमें दोस्तों 50-50 है। रिसेंट में भी दोनों टीमें 50-50 का परफॉर्मेंस करके आ रही है, यानी कि 3-3 मुकाबले दोस्तों दोनों टीमों ने अभी तक रिसेंट में विन किए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से
गाले मार्वल की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में कि कौन से खिलाड़ी को हमें फाइनली ग्रैंड लीग टीम में लेके चलना है। तो ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों यहां पर आपको डिक वेला, एलेक्स हेल्स, उसके साथ टीम सेफर्ट, उसके साथ दोस्तों जनित, फिर यहां पर आपको बानुका राजपक्षा, उसके साथ दोस्तों अर्चिंगे आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके साथ इसरो उडाना, फिर यहां से पेटोरिया तिक्सना, उसके साथ जयसूर्या, उसके साथ दोस्तों यहां पर आपको फाइनली ये प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी गाले मार्वल की टीम की तरफ से। बात करेंगे दोस्तों इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन डिक वेला, विकेट कीपर ऑप्शन, रिसेंट वाले मैच में 9 रन के साथ परफॉर्मेंस, उसके बाद 10 रन, फिर यहां पर 7 रन, 25 रन, 7 रन, हेड टू हेड में 12 मुकाबले, 228 रन है, 20 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे दोस्तों 14 का एवरेज स्कोर है, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 21 का एवरेज स्कोर है। उसके साथ एलेक्स हेल्स रिसेंट में 36 रन, उसके बाद फ्लोप है, फिर 38 रन, फिर 86 रन नाबाद है, फिर दोस्तों 17 रन का परफॉर्मेंस किया, हेड टू हेड में 3 मुकाबले, टोटल 124 रन है, 41 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 25 का एवरेज स्कोर है, 40 एवरेज स्कोर एलपीएल टी20 फॉर्मेट में है। तो यहां से दोस्तों एलेक्स हेल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देखने को मिलेगा, जीएलएसएल दोनों टीमों में लेके चलना है, क्योंकि ये खिलाड़ी आपको ओपनिंग बैट्समैन नजर आएगा और फाइनल मुकाबला है, हेड टू हेड में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने किया हुआ है। उसके साथ दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन से की बात करें तो टीम शेफर्ड को आप कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो, रिसेंट वाले मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है, 62 रन नाबाद है, फिर 44-23-16 और 0 हेड टू हेड में 5 मुकाबले खेले हैं, 83 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 47 का एवरेज स्कोर है, 48 का एवरेज स्कोर एलपीएल टी20 फॉर्मेट में है, नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर है और नंबर 3 का खिलाड़ी हमेशा आपकी टीम में ट्रम्प प्लेयर देखने को मिलेगा, और ये खिलाड़ी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीवीसी में आप ट्राई करके चल सकते हो। पिछले मैच में दोस्तों जनित ने 56 रन की पारी खेली थी, लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी था, उसके बाद 13 रन 0 विकेट, 13 रन 3 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों 5 मुकाबले, 94 रन है और 0 विकेट इसके पास है, 1 विकेट पिच पे निकाल रखी है, 26 का एवरेज स्कोर और 1 ही विकेट दोस्तों एलपीएल टी20 फॉर्मेट में है, 20 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का टोटल बैटिंग से है। उसके साथ बानुका राजपक्षा विकेट कीपर ऑप्शन है, रिसेंट वाले मैच में 8 रन नाबाद है, फिर 35-1-46 रन नाबाद, उसके बाद 7 रन, हेड टू हेड में 14 मुकाबले, टोटल 300 रन, 23 का एवरेज स्कोर, 16 का एवरेज स्कोर ग्राउंड पे, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 18 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए दोस्तों मैं बानुका राजपक्षा को फाइनली जीएल प्लस एसएल दोनों टीमों में दोस्तों ड्रॉप ही करके चलूंगा, उसके जगह आप अर्चिंगे को ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि ये खिलाड़ी आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा। रिसेंट के 2 मैचों में दोस्तों विकेटें भी निकाल रखी है, 12 रन 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट, रिसेंट वाले मैच में फ्लोप है, हेड टू हेड में 9 मुकाबले, 3 विकेट है, 10 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ग्राउंड पे भी दोस्तों 5 विकेट इसके पास है, 15 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 11 विकेट निकाल चुका है, 15 का एवरेज स्कोर टोटल बैटिंग से, 202 रन अभी तक इस खिलाड़ी ने एलपीएल टी20 फॉर्मेट में बनाए हुए हैं। उसके साथ इसरो उडाना रिसेंट वाले मैच में 2 विकेट, उसके बाद 0 रन 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, फिर 1 विकेट, 72 रन प्लस में 2 विकेट, हेड टू हेड में 15 मुकाबले, 32 रन है, 6 का एवरेज स्कोर प्लस में 13 विकेट, ग्राउंड पे दोस्तों 14 विकेट ले चुका है, 10 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 39 विकेट है, 19 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, यानी कि इस खिलाड़ी को आप सीवीसी में भी ट्राई करके चल सकते हो। उसके साथ प्रिटोरियस रिसेंट वाले मैच में 4 विकेट, उसके बाद फ्लोप है, 16 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 3 रन 1 विकेट, हेड टू हेड में 3 मुकाबले, 7 विकेट है, हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है दोस्तों, दोनों खिलाड़ी आपको कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी में हाई सिलेक्शन पे देखने को मिलेंगे, ग्राउंड पे 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 5 विकेट है, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 12 विकेट, 11 का एवरेज को टोटल इस खिलाड़ी का अभी तक बैटिंग से है। उसके साथ महेश तिक्सना रिसेंट वाले मैच में 0 विकेट, उसके बाद कंटिन्यू दोस्तों काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन पिच पे दोस्तों यहां से तिक्सना का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, टोटल 18 मुकाबले खेले हैं अभी तक, 24 विकेट इसके पास है, हेड टू हेड में दोस्तों 1 ही विकेट है, रिसेंट में फ्लोप है, उसके बाद काफी मैचों में इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है। उसके साथ यहां पर जयसूर्या रिसेंट वाले मैच में 1 विकेट, उसके बाद फ्लोप है, फिर 3 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर यहां से 5 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया, हेड टू हेड में 1 ही विकेट है, ग्राउंड पे 2 मुकाबले, 1 विकेट, 4 विकेट इसके पास, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में है। उसके बाद दोस्तों यहां पर कविंदु रिसेंट वाले मैच में फ्लोप, उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में 0 विकेट, ग्राउंड पे 1 विकेट, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 5 विकेट दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। ये दोस्तों फाइनली आपको गाले मार्वल के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों इनके
मैं स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा। तो स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों यहां से पिटोरियस और इसरो उडाना के देखने को मिलेंगे, तिक्सना और दोस्तों जयसूर्या ये आपको स्टार्टिंग के ओवर करवाते हुए नजर आएंगे। डेथ में दोस्तों तिक्सना आपको देखने को मिल जाएगा, इसरो उडाना, जयसूर्या और पिटोरियस, टोटल चार खिलाड़ी हैं दोस्तों जो कि डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के चार खिलाड़ी हैं जो कि स्टार्टिंग के ओवर लेके आएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बेंच प्लेयरों के बारे में, जो कि टोटल इस टीम के पास छह बेंच प्लेयर हैं। यहां से जौहर खान है, लहरू कुमारा है, उसके साथ दोस्तों जेफरी आपको देखने को मिल जाएगा, सेन विलियमसन है जो कि अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है, बाकी ऑलराउंडर में काफी बढ़िया चॉइस है। बाकी दोस्तों यहां से कोई भी खिलाड़ी अगर खेलेगा वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं जाफना किंग्स की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में कि जाफना किंग्स से हमें कौन से खिलाड़ी को कैप्टनसी में लगा के चलना है, कौन सा खिलाड़ी हमारी टीम में वॉइस कैप्टन हो सकता है। ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों प्रथम निशंका, उसके साथ साथ आपको कुशल मेंडिस, रायली रूशफ, अविस्का फ्रेंडो, चरित असलंका और अजरमदुल्ला उमरजई, धनंजय सिल्वा, उसके साथ फीबन एलन, फिर दोस्तों विजा और यहां से असीता फ्रेंडो और जेसन बैरनडॉफ। ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी जाफना किंग्स की टीम की तरफ से। बात करेंगे दोस्तों इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो सबसे पहले प्रथम निशंका की बात करें जो कि रिसेंट के पांच मुकाबले इस ग्राउंड पे खेले हैं और पांच के पांच मैचों में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लोप है। हेड टू हेड में 9 मुकाबले, 21 का एवरेज स्कोर, 10 का एवरेज स्कोर दोस्तों ग्राउंड पे, 26 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का टोटल एलपीएल टी20 फॉर्मेट में है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि यहां पर फाइनल मुकाबला है, ओपनिंग बैट्समैन अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो यहां से फाइनल दोस्तों एलपीएल टी20 फॉर्मेट का मुकाबला ये टीम हार जाएगी। उसके साथ प्रथम निशंका को आपको बैटिंग ऑर्डर में लेके चलना है, हाई सिलेक्शन में देखने को मिलेगा। कुशल मेंडिस रिसेंट वाले मैच में 105 रन नाबाद, उसके बाद 46 रन, 17 रन, 0 रन, 5 रन, हेड टू हेड में 32 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे 28 का एवरेज स्कोर, 30 का एवरेज स्कोर, टोटल एलपीएल टी20 फॉर्मेट में है। यहां से दोस्तों रिसेंट वाले मैच में 105 रन नाबाद बना के आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देखने को मिलेगा। उसके साथ रायली रूशफ रिसेंट वाले मैच में फ्लोप, उसके बाद 40 रन, फिर दो मैचों में दोस्तों फ्लोप है, फिर 108 रन नाबाद इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं, हेड टू हेड में 34 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 13 का एवरेज स्कोर है, 31 का एवरेज स्कोर, टोटल एलपीएल टी20 फॉर्मेट में। उसके साथ अविस्का फ्रेंडो रिसेंट में 11, 52, 11, 16 और 58, आज के मैच में 50 प्लस रन दोस्तों अविस्का फ्रेंडो की तरफ से देखने को मिलेंगे क्योंकि एक मैच में फ्लोप देखने को मिलता है, सेकंड मैच में दोस्तों 50 प्लस रन इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिलते हैं। हेड टू हेड में 34 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 29 का एवरेज स्कोर है और 35 का एवरेज स्कोर टोटल इस खिलाड़ी का एलपीएल टी20 फॉर्मेट में है। उसके साथ चरित असलंका रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों फ्लोपी देखने को मिला है, हाईएस्ट इस खिलाड़ी की तरफ से 26 रन देखने को मिले हैं, हेड टू हेड में 2 विकेट है, 17 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ग्राउंड पे 2 विकेट, 4 विकेट, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, टोटल 20 का एवरेज स्कोर है। धनंजय डिसल्वा रिसेंट वाले मैच में 5 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 6 रन 9 रन 2 विकेट, 18 रन 1 विकेट, हेड टू हेड में 8 विकेट है, टोटल 11 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 18 मुकाबले दोस्तों ग्राउंड पे, 11 विकेट इसके पास है, टोटल 20 विकेट अभी तक इस खिलाड़ी ने एलपीएल टी20 फॉर्मेट में निकाली हुई है, 20 का एवरेज को टोटल इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। यानी कि धनंजय डिसल्वा रिसेंट के मैच में भी एक या फिर दो ओवर के साथ ही इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है। उसके साथ अजरमदुल्ला उमरजई रिसेंट वाले मैच में 26 रन प्लस में 0 विकेट, 14 रन नाबाद 1 विकेट, 24 रन नाबाद 1 विकेट, 2 विकेट, हेड टू हेड में 2 मुकाबले, 49 रन है, प्लस में 3 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों 2 विकेट, टोटल 64 रन, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 6 विकेट अभी तक निकाली हुई है, 59 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। ये खिलाड़ी दोस्तों आपकी टीम का एक सेफ कैप्टन और एक सेफ वॉइस कैप्टन देखने को मिल सकता है क्योंकि ये खिलाड़ी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट करते हुए नजर आएगा। उसके साथ फीबन एलन रिसेंट वाले मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में 4 विकेट, ग्राउंड पे दोस्तों 8 विकेट और एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 20 विकेट। रिसेंट वाले मैच में ट्रंप प्लेट था, यूनिक कैप्टनसी में दोस्तों ये खिलाड़ी देखने को मिला था और बहुत ही लो सिलेक्शन पे दोस्तों इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस था और लगभग इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो कंटिन्यू अगर इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो यहां पर दोस्तों फ्लोप है, फिर 1 विकेट, फिर यहां से बॉलिंग नहीं करवाई, फिर दोस्तों 0 विकेट, फिर यहां पर 1 और 4 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया। यानी कि इस खिलाड़ी की बात करें तो ये खिलाड़ी आपको कभी भी ट्रंप प्लेट देखने को मिल सकता है, लेकिन आज वाले मैच में 1 या फिर 2 विकेट इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिलेगी, ऑलराउंडर में लेके चलना है। उसके साथ यहां पर विजय रिसेंट वाले मैच में 3 विकेट, हेड टू हेड में 6 विकेट, ग्राउंड पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, 16 विकेट है, 25 विकेट इसके पास एलपीएल टी20 फॉर्मेट में है।
असिता फ्रेंडो लगातार दोस्तों दो मैचों में फ्लोप है, दो ही मैचों में परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में दो विकेट, ग्राउंड पे एक विकेट, एलपीएल टी20 फॉर्मेट में 13 विकेट अभी तक इस बॉलर ने निकाली है, 15 मुकाबले अभी तक इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं। उसके साथ फाइनल बॉलर जेसन बेरेंडोफ रीसेंट वाले मैच में फ्लोप है, कंटिन्यू एक ही मैच में 3 विकेट के साथ परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में फ्लोप, ग्राउंड पे 3 विकेट, 3 विकेट एलपीएल टी20 फॉर्मेट में। तो ये दोस्तों फाइनली आपको जाफना किंग्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, स्टार्टिंग के ओवर कौन सा बॉलर लेके आएगा, वो डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों जेसन बेरेंडोफ के और असिता फ्रेंडो के, अजरमदुल्ला उमरजे के, फिबन एलन के। डेथ में दोस्तों असिता फ्रेंडो, जेसन बेरेंडोफ और फिबन एलन, ये चार खिलाड़ी हैं जो कि डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के दोस्तों चार खिलाड़ी हैं जो कि स्टार्टिंग के ओवर लेके आएंगे। वो टोटल बेंच प्लेयरों की बात करें जो कि इस टीम के पास टोटल 6 बेंच प्लेयर हैं, तरबेज शमसी है, प्रमोद मधुसन है, नूर अहमद है, उसके साथ दोस्तों लहरू है, निशान मधुशंका है। कोई भी खिलाड़ी दोस्तों यहां से अगर फाइनली खेलेगा वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में और उससे पहले फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में। तो हाई सिलेक्शन में एलेक्स हेल्स, उसके साथ टीम शेफर्ड, इसरू उडाना और पिटोरियस, कुशल मेंडिस, अविस्का फ्रेंडो, अजरमदुल्ला उमरजई, फिबन एलन, ट्रंप प्लेयर दोस्तों यहां से अर्चिंगे, महेश तीक्षणा और राइली रूशफ और यहां से विजय। ये टोटल 4 खिलाड़ी हैं जिनका लो सिलेक्शन है, लेकिन आज के मैच के ट्रंप प्लेयर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के दोस्तों 8 खिलाड़ी हैं जिनका सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन आज के मैच में देखने को मिलेगा। और मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहां पर मैंने दोनों यहां से ऑलराउंड विकेटकीपर ट्राई किए हुए हैं एक टीम में। एक में आपको एक ही विकेटकीपर देखने को मिलेगा, सेकंड टीम में दोस्तों आपको यहां से दो बैटिंग ऑर्डर और यहां से 4 आपको ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे, जिसमें वॉइस कैप्टनसी अजरमदुल्ला उमरजई, कैप्टनसी पिटोरियस, इसरू उडाना, फिबन एलन, तीक्षणा और यहां से विजा। सेकंड टीम में दोस्तों तीक्षणा और फिबन एलन दोनों यहां पर पिक करके रखे हैं कैप्टनसी में, इसरू उडाना वॉइस कैप्टनसी में एलेक्स हेल्स को ट्राई किया हुआ है। लेकिन अगर आप एक सेफ कैप्टन ट्राई करना चाहते हो तो सेफ कैप्टन दोस्तों अजरमदुल्ला उमरजई को ट्राई कर लेना, काफी बढ़िया चॉइस है। पिटोरियस को आप सीबीसी में ट्राई करके चल सकते हो। तो ये मेरी आज की दो फाइनल फैंटेसी टीम में रहेंगी, बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।